अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बालों के लिए होम रेमेडी बनाएंगे जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और गिरने से बचाएगा और सफ़ेद होने से बचाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम एक कप प्याज का रस डाल देंगे। प्याज में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और अगर आपके सर में पैचेस बनते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है आपके बालों के लिए। और इसमें हम एलोवेरा जूस डाल देंगे। आप चाहे तो एलोवेरा का पल्प ही यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में विटामिन ई, ए और सी मौजूद होता है। एक कप कोकोनट वाटर डाल देंगे, ये एक कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक कप आंवले का जूस डाल देंगे। आंवले में विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसमें हम 7 चम्मच अदरक का रस डाल देंगे। अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और आप जब भी इसे इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह से हिलाकर ही इस्तेमाल करें। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें गुलाब जल डाल देंगे। आप गुलाब जल आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और ये 1 महीने के लिए हम बना कर रख देंगे फ्रीज़र में। और इसको लगाए आप नहाने से 1 घंटा पहले आप अपने स्कैल्प में बालों में अच्छी तरह से मसाज करें, और 1 घंटे बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें और एक जार में भरकर फ्रीज़र में रख दें। अल्लाह हाफिज़।